नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त अभिलाष पांडे। इस खास एपिसोड में हम बात करते हैं सुपरस्टार से जुड़ी उन खबरों के बारे में जिनसे आप रूबरू नहीं हो पाते। चलिए शुरुआत कर देते हैं अपनी पहली खबर से। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में यूं तो इन दिनों होली का माहौल काफ़ी ज़्यादा है और हर स्टार ये चाहता है कि होली के लिए एल्बम्स निकाले और अपने फैंस को जो है वो एंटरटेन करे। और इन्हीं स्टार्स में से एक है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह और भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह। आपको बता दें कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह का एल्बम का एक गाना इन दिनों रिलीज हो चुका है होली का, जिसमें जीजा साली का संवाद बताया गया है। आपको बता दें कि कल ये फेसबुक पर भी लाइव किया गया था ये गाना और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। करीब 42,000 से ज़्यादा लोगों ने इस गाने को देखा है। होली हिंदुस्तान के की चर्चा, जो इस एल्बम का नाम है, इसकी चर्चा काफ़ी दिनों से की जा रही थी क्योंकि हर साल सुपरस्टार पवन सिंह अपने फैंस को ऐसा तोहफा देते हैं जो लोगों को काफ़ी यादगार रहता है। पिछले साल उन्होंने हीरो के होली एल्बम निकाला और वो एल्बम इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि हर किसी को उम्मीदें बढ़ गई। सुपरस्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह का एल्बम जब भी आता है तो वो हमेशा से सुपरहिट साबित होता रहा है। और एक बार फिर पवन सिंह के इस गाने को जिस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, उससे कहना गलत नहीं होगा कि ये बहुत अच्छी तरीके से आगे जाने वाला है जो ये गाना है। आपको बता दें कि इस गाने को होली के खास तौर पर निकाला गया है और होली के दिन ये गाना काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहेगा क्योंकि जिस तरह से जो एक संवाद होता है, जो एक मजाकिया अंदाज होता है, वो वाकई काबिले तारीफ होता है। शायद यही वजह है कि लोग जो हैं वो देखना पसंद करते हैं अपनी मिट्टी के गानों को, अपनी मिट्टी के संवादों को, अपनी मिट्टी के मजाक को, हर चीज़ को। और यही चीज़ पवन सिंह और अक्षरा सिंह भी जानते हैं कि किस तरह अपने फैंस को जो है वो एंटरटेन किया जाता है, किस तरह अपने फैंस की डिमांड को पूरा किया जाता है। शायद यही वजह है कि आज पवन सिंह और अक्षरा सिंह आज उस मुकाम पर हैं जिस मुकाम पर पहुंच पाना हर किसी का ख्वाब होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में किस तरह होली के मौके पर पवन सिंह और अक्षरा सिंह ने निकाला गाना। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह को इंडस्ट्री का सिरमौर कहा जाता है। सुपरस्टार पवन सिंह के अभिनय, गायकी और इनकी अदायगी का हर कोई कायल है। अक्सर सुपरस्टार पवन सिंह सुर्खियों में बने ही रहते हैं। इन दिनों एक बार फिर सुपरस्टार पवन सिंह सुर्खियों में हैं और उनके सुर्खियों में रहने की वजह भी काफी बड़ी है। दरअसल हाल ही में सुपरस्टार पवन सिंह के मच अवेटेड एल्बम होली हिंदुस्तान के का एक गाना रिलीज हुआ है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि ये गाना फेसबुक पर भी लाइव किया गया था जिसे करीब 45,000 लोगों ने देखा। खास बात यह है कि इस गाने में पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच नोक झोंक दिखाई गई है और एक जीजा साली का संवाद दिखाया गया है। आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह अक्सर होली पर एक ऐसा एल्बम निकालते हैं जो लोगों को काफी पसंद आता है। ऐसे में इस गाने के इतने व्यूअर होने पर यह पता लग रहा है कि सुपरस्टार पवन सिंह के एल्बम कितने प्रभावशाली होते हैं। अब क्या ये एल्बम कितना रंग लाता है, ये रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा। तो देखा आपने किस तरह सुपरस्टार पवन सिंह ने दिखाया और अक्षरा सिंह ने दिखाया कि कैसे दर्शकों को अपनी तरफ खींचा जाता है, किस तरह से दर्शकों को एंटरटेन किया जाता है, क्या दर्शकों की डिमांड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर रिलेटेड है भोजपुरी इंडस्ट्री के चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से। दोस्तों, बीता जो हफ्ता था वो प्यार का हफ्ता रहा। आपको बता दें कि कल यानी कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया गया। वैलेंटाइन डे पर हर किसी ने एक अपनी जो प्रेमिका है, एक प्रेम का त्यौहार होता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका को कई सारे उपहार देता है, दो प्रेमी आपस में जुड़ते हैं, कई लोग अलग होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी वैलेंटाइन डे के मौके पर सुपरस्टार पवन सिंह की आने वाली मच अवेटेड फिल्म डमरू का एक गाने की एक तस्वीर इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है और इस तस्वीर को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। कई लोगों का कहना था कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की आने वाली फिल्म डमरू का है और वैलेंटाइन डे के खास मौके पर इसे जो इस तस्वीर है उसे वायरल किया गया। अभी जिस तरह से लोगों को ये तस्वीर पसंद आ रही है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेसारी का ये गाना जो है ये कितना बड़ा सुपरहिट साबित होगा।
खासतौर पर डमरू बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी है, क्योंकि इनके डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का कहना है कि ये जो फिल्म है ये अश्लीलता, भोजपुरी पर जो अश्लीलता और फूहड़ता का जो टैग लगता रहा है उस दाग को धो डालेगी और एक साफ सुथरी फिल्म है। ये बात इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब इस तरह की कोई फिल्में नहीं करते हैं जो लोगों को नागवार गुसर हो, अच्छी फिल्में बनाते हैं। शायद यही वजह है कि अब औरतें भी उनकी फिल्मों को देखने लगी हैं, औरतें भी खिंची चली आती हैं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्मों को देखने के लिए। खासतौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि डमरू का जो टीजर है और ट्रेलर है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। खेसारी की बॉडी अच्छी लग रही है, अवधेश मिश्रा अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं और डमरू का जब इस गाने का जब जो तस्वीर है वो वैलेंटाइन डे पर रिलीज की गई और वो कितनी बड़ी वायरल हुई है इस बात का अंदाज़ा इंटरनेट पर लगाया जा सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि डमरू जो है वो कब रिलीज होती है और कब सिनेमाघरों में धमाल मचाती है। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में किस तरह सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और उनके साथ अभिनेत्री की तस्वीर हुई वायरल वैलेंटाइन डे के मौके पर। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को दर्शकों का सबसे दुलारा सितारा माना जाता है। खेसारी की बॉडी, इनके अभिनय और इनकी फिल्मों की हर कोई तारीफ करता हुआ नजर आता है। आज खेसारी जिस मुकाम पर हैं वहां पहुंच पाना हर किसी का ख्वाब होता है। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अक्सर कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों को काफी पसंद आता है और दर्शक खिंचे चले आते हैं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की तरफ। ऐसे में हाल ही में वैलेंटाइन डे के मौके पर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें वो एक अभिनेत्री के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कई लोगों का कहना है कि ये तस्वीर फिल्म डमरू के एक रोमांटिक गाने की है जो जल्द ही रिलीज हो जाएगा। अब वैलेंटाइन डे पर ये तस्वीर खेसारी के फैंस को खेसारी की तरफ से काफ़ी बड़ा गिफ्ट थी और लोगों को जिस तरह से रिस्पॉन्स देना चाहिए था लोगों ने वो रिस्पॉन्स दिया है। अब खेसारी भी शायद खुश होंगे कि सिर्फ एक तस्वीर अगर इतनी वायरल हो सकती है तो जब गाना रिलीज होगा उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यानी कि वो गाना सुपरहिट साबित हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का डमरू का जो एल्बम है वो जमकर वायरल हुआ और लोगों को काफी पसंद आया। अब उम्मीद यही की जा रही है कि किस तरह से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म का टीजर पसंद आए लोगों को और कैसे फिल्म जो है वो एक सुपरहिट साबित हो, क्योंकि ट्रेलर को देखकर तो यही लगता है कि फिल्म एक बड़ी हिट साबित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। दोस्तों, आपको हमने पहले भी बताया कि होली का माहौल इन दिनों बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह का एक गाना रिलीज हुआ है और इसी के साथ एक और गाना जल्द ही रिलीज हो सकता है जिसका नाम बताया जा रहा है सहेली के होली। जी हाँ, इस एल्बम में पहली बार एक साथ नजर आने वाली हैं अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे। जी हाँ, एक भोजपुरी क्वीन कही जाती हैं, एक इंटरनेट क्वीन कही जाती हैं। जी हाँ, अक्षरा सिंह को भोजपुरी क्वीन कहा जाता है, आम्रपाली दुबे को इंटरनेट क्वीन कहा जाता है और ये अभिनेत्रियाँ ऐसी हैं जो किसी को भी एंटरटेन करने का मादा रखती हैं। शायद यही वजह है कि इन अभिनेत्रियों की तारीफ सबसे ज़्यादा की जाती है। आपको बता दें कि इन अभिनेत्रियों की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है और लोग उत्सुक रहते हैं कि कब ये स्टार्स एक साथ नज़र आएंगे और लोग जो हैं उनके साथ मस्ती करते हुए नज़र आएंगे। खास बात यह है कि सुपरस्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह के होली के पहले गाने के हिट होने के बाद अब दूसरा गाना भी रिलीज किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सहेली के होली जो गाना है वो होली हिंदुस्तान के एल्बम का ही है और आम्रपाली ने खास तौर पर अक्षरा सिंह के साथ शूटिंग की है। तो ये अच्छा लगता है कि भोजपुरी स्टार्स एक साथ मिलकर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अच्छे अच्छे एल्बम्स निकालते हैं, अच्छे गाने निकालते हैं, क्योंकि पवन सिंह का वैसे भी एक रिकॉर्ड रहा है, अक्षरा सिंह का भी रिकॉर्ड रहा है कि होली के मौके पर इनके जो भी गाने शुरू हुए हैं वो लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं। और बीते साल भी जब गोर करियर रिलीज हुआ था तो लोगों को काफ़ी पसंद आया था। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस होली पर भी अक्षरा सिंह एक बार फिर अपने स्वर से धमाल बचाएंगी, क्योंकि अक्षरा सिंह की आवाज़ बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत तरीके से वो गाना गाती हैं और जिस तरह से आम्रपाली दुबे ने उन्हें ज्वाइन किया है तो लगभग तय माना जा रहा है एल्बम। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे हो रही है तैयारी रिलीज करने की सहेली के होली आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह को इंडस्ट्री की हसीन अभिनेत्रियों में से एक शुमार किया जाता है। ये अभिनेत्रियां किसी भी फिल्म में एक बार नजर आ जाएं तो वो फिल्में सुपरहिट साबित हो जाती हैं। साथ ही इनके अभिनय, इनकी खूबसूरती और इनकी अदायगी का हर कोई कायल है। अक्षरा सिंह सुपरस्टार पवन सिंह के साथ ज्यादातर फिल्मों में नजर आती हैं तो वहीं आम्रपाली दुबे निरहुआ के साथ लगभग सभी फिल्मों में नजर आती हैं। लेकिन इन दोनों ही कलाकाराओं का
स्टारडम काफी ज्यादा है। लोगों को इन दोनों की अदायगी बहुत ज्यादा पसंद आती है और अक्सर ये दोनों अभिनेत्रियां सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। इन दिनों एक बार फिर ये सुर्खियों में हैं। दरअसल इन दिनों इंटरनेट पर इनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें आम्रपाली और अक्षरा एक साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक ये तस्वीरें आने वाले होली के एल्बम सहेली के होली की है जिसमें अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे एक साथ डांस करते हुए नजर आ रही है। वेल, आपको बता दें कि आम्रपाली और अक्षरा दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं। तो देखा आपने किस तरह सुपरस्टार पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे भी दिख सकती हैं इस एल्बम में। उम्मीद यही की जा रही है कि एक बार फिर ये गाना जो है वो सुपरहिट साबित हो। दोस्तों, इस खास एपिसोड में सबसे पहले तो हमने आपको बताया किस तरह सुपरस्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह का एक होली सॉन्ग रिलीज हुआ। ये होली हिंदुस्तान के एल्बम से था और ये लोगों को काफ़ी पसंद आया। उसके बाद हमने आपको बताया किस तरह से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के एक तस्वीर वायरल हुई अभिनेत्री के साथ रोमांटिक सॉन्ग की, जो फिल्म डबरू का बताया जा रहा है। और उसके बाद हमने आपको बताया कि किस तरह से अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे एक साथ एक ही एल्बम के गाने में शूट करती हुई आएंगी नजर। तो इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी भोजपुरी स्टार्स की कुछ अन्य खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलें।